संसद की वीडियो बनाकर घिरे आप सांसद भगवंत मान ने अब पीएम मोदी को संसद से सस्पेंड करने की मांग की है। मान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को पठानकोट एयरबेस में जाने देने की अनुमति देकर प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। मान ने कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पठानकोट एयरबेस में जाने की अनुमति दी, तब देश की सुरक्षा दांव पर नहीं लगी? प्रधानमंत्री को भी कमेटी के सामने पेश होने को कहा जाना चाहिए और उन्हें भी संसद से सस्पेंड किया जाना चाहिए। ये एक तरफा कार्रवाई राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। ये पार्टियां डरी हुई हैं क्योंकि पंजाब में आने वाले चुनावों में आपको बहुमत मिलेगा। मैंने पहले भी कहा था कि मैं संसद की सुरक्षा को दांव पर लगाना नहीं चाहता था। मैं केवल एक एजुकेशनल वीडियो बनाना चाहता था। मैं लोगों को बताना चाहता था कि उनकी समस्याओं को किस तरह से लकी ड्रॉ के जरिए उठाया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी माफी पर्याप्त नहीं थी, इसलिए मुझे सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें कि मान को वीडियो बनाने के मुद्दे पर फैसला न आने तक लोकसभा में न आने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने यह आदेश जारी किया है। इससे पहले मान ने बिना शर्त माफी मांग ली थी, लेकिन स्पीकर ने कहा था कि यह पर्याप्त नहीं है। मान के मामले की जांच 9 सदस्यीय कमेटी करेगी। कमेटी को 3 अगस्त तक रिपोर्ट देने को कहा गया है।